वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि हर साल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। और मेन जेई मेन्स के हिसाब से देखें या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखें तो 1 या 2 क्वेश्चन तो हर 1 या 2 साल में देखने को मिलते हैं। तो बिना लेट करें हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बता दूंगा इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। एक तो एडसॉर्प्शन पढ़ेंगे, एडसॉर्प्शन क्या होता है, फिर इसके एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इमल्शंस के बारे में तो लास्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैटलिस्ट के बाद कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के कोलोइड्स होते हैं और कैटलिस्ट भी कितने तरीके के होते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट होता है, होमोजेनस कैटलिस्ट होता है, फिर इमल्शंस क्या होते हैं और इन सब के एप्लीकेशंस क्या हैं और इन सब के मैकेनिज़म क्या है, हम ये सब देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, और मैं बोलूँगा कि सबका फ्लो चार्ट बनाएं, क्योंकि फ्लो चार्ट से हमें पता चलता है कि हमारा इतना हो चुका है, इतना बचा है, कितना वो कैसे मुझे क्या रिवीजन करना है। तो सबका कम से कम फ्लो चार्ट बना के रखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एडसॉर्प्शन क्या होता है। एक पहले हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, मतलब आपने जो पहले सुना है एब्जॉर्प्शन और एक होता है जो आज हम पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन। देखिए दोनों में अंतर क्या है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक बल्क फिनोमिना होता है, जो एडसॉर्प्शन होता है ये एक सरफेस फिनोमिना। जैसे हमने किसी चौक को डिप किया एक इंक के सॉल्यूशन में, तो तब देखा अंदर चौक पूरी चौक डाली तो देखा और उसे तोड़ा चौक को, तो देखा यार जो सरफेस है, जो उसका सरफेस है वो तो पूरा ब्लू हो चुका है अगर ब्लू कलर की इंक है तो, मगर जो यार अंदर का जो एरिया है, जो इधर एरिया दिख रहा है वो अभी वाइट है पूरा, ऐसा क्यों? मगर जब हम फोम डिप करते हैं या कॉटन डिप करते हैं तो यार वो पूरा ब्लू हो जाता है अंदर हो चाहे बाहर, मगर चौक में ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चौक में हुआ है बेटा एडसॉर्प्शन और फोम में हुआ है एब्जॉर्प्शन। फोम में हुआ है एब्जॉर्प्शन तो वो पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, चौक में हुआ है आपका एड्सॉर्प्शन तो वो सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, इसलिए सिर्फ सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक और एग्जांपल लें, अगर हम सिलिका जेल को, एक सिलिका जेल आता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अगर हम किसी मॉइस्चर भरे या नॉर्मल अभी रूम में रख देते हैं थोड़ा मॉइस्चर हो, और थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अगर ये सिलिका जेल है तो इसके यहाँ सरफेस में मॉइस्चर आ जाएगा, मगर अगर CaCl2 अगर हम रखते हैं उसी रूम में कैल्शियम क्लोराइड तो उसमें सरफेस में तो आएगा ही आएगा बल्कि पूरा अंदर आ जाएगा। तो इट इज़ नॉट अ सरफेस फिनोमिना, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना थ्रू आउट द बॉडी, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्प्शन हुआ है और आपका सिलिका जेल में एडसॉर्प्शन हुआ है। और एक और एग्जांपल, जैसे हम देख सकते हैं कि जो माइंस में जो लोग काम करते हैं उनके हेलमेट में जो चारकोल लगा रहता है, क्योंकि जो चारकोल होता है वो गैसेस को एडसॉर्ब करता है, उनके हेलमेट्स में चारकोल लगा रहता है ताकि जब वो माइंस से जो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं वो इनहेल ना करें, बल्कि जो पॉइजनस गैसेस हैं उन्हें वो चारकोल एड्सॉर्ब कर लेता है, जिनसे वो लोग पॉइजनस गैसेस को इनहेल करने से बच जाते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं एड्सॉर्प्शन की, जैसे एड्सॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, ये लो टेम्परेचर को ज़्यादा फेवर करता है, लो टेम्परेचर में अच्छा होता है, अभी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। अब ये देखते हैं कि एड्सॉर्प्शन का आगे, एड्सॉर्प्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा एड्सॉर्बेट, एक होता है हमारा एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, एड्सॉर्बेट क्या होता है, जिसमें हमारा एड्सॉर्प्शन हो रहा होता है, जैसे चौक थी वो हमारा एड्सॉर्बेट है, जो इंक थी वो हमारा एड्सॉर्बेंट है,
जिसमें एड्सॉर्प्शन होगा वो हमारा एड्सॉर्बेट है, और जो जो एड्सॉर्ब होगा उस सरफेस में वो एड्सॉर्बेंट है। अब हम आगे चलते हैं कि दो तरीके के, नहीं एक और टर्म आता है कि जॉर्प्शन क्या होता है। जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ हों, तब हम उस फिनोमिना को जॉर्प्शन कहेंगे, मतलब इतना जॉर्प्शन कहेंगे। और जब हमारा एड्सॉर्ब हुआ कोई सब्सटेंस, जो एड्सॉर्ब हुआ है उसे हटाया जाए उस सरफेस से, तो उसे हम कहते हैं डिसॉर्प्शन। इतना क्लियर हो गया? अब हम आगे जाएंगे। इतना क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं कि एड्सॉर्प्शन कितने तरीके के होते हैं। एड्सॉर्प्शन दो तरीके के होते हैं, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, अभी इसका मैकेनिज्म भी मुझे बताना है, मगर मैं सोच रहा हूँ कि इसको पहले बता दूँ तो थोड़ा सही रहेगा। फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है? जो फिजिकल तरीके से हो, मतलब हाँ अभी बताता हूँ, फिजिकल तरीके से हो। और केमिज ऑप्शन का मतलब है जो केमिकल तरीके से कोई एड्सॉर्प्शन हो। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है कि वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो केमिज ऑप्शन होता है उसमें हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, या आयनिक आयनिक बॉन्ड्स टाइप का कुछ बनता है। जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो लो टेम्परेचर को ज़्यादा फेवर करता है, और केमिकल ऑप्शन थोड़ा हाई, थोड़ा। और फिजिक्स ऑप्शन अगर किसी प्रोसेस में हो रहा है और तो उस और आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो केमिकल ऑप्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिजिक्स ऑप्शन में और केमिकल ऑप्शन में एक चीज़ सिमिलर है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता है दोनों का ही। ये स्पेसिफिक नहीं होता कि इसमें होगा इसमें नहीं होगा, ये स्पेसिफिक होता है, ये सब में होता है। केमिकल ऑप्शन हो रहा हो नहीं हो रहा हो, फिजिक्स ऑप्शन तो होगा, थोड़ा बहुत तो होगा, इसलिए स्पेसिफिक नहीं। केमिकल ऑप्शन स्पेसिफिक होता है, इसमें होगा इसमें नहीं होगा। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एनसीईआरटी को खोलेंगे तो, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा, एनसीईआरटी खोलेंगे तो उसमें पूरा दिख जाएगा प्रॉपर्टीज़। और मैं भी रखा हूँ अपने पास ताकि कोई टॉपिक स्किप ना हो जाए। तो एक और प्रॉपर्टी आती है कि ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल ये क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने बताया ये एक वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रहता है, टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, बॉन्ड्स बॉन्ड्स के बॉन्ड्स तो बने ही नहीं है, अट्रैक्शन टूट गया, टेम्परेचर घटाया, अट्रैक्शन फिर से आ गया, रिवर्सिबल है ये, इरिवर्सिबल। एक बार बॉन्ड टूट गए, अरे मतलब बन गए, फिर एनर्जी बढ़ाई तो टूट गए, फिर क्या, फिर कहाँ बढ़े जुड़ेंगे? तो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, बहुत वैसे भी बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स को टूटने के लिए, तो उतना रिवर्सिबल नहीं रहता, इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि इसकी एंथैल्पी, या हम कहें एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी बहुत कम होती है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फिजिक्स ऑप्शन में बॉन्ड छूट गए, मगर केमिस्ट ऑप्शन में कोवेलेंस बॉन्ड्स वगैरह मैंने बताया अभी, और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इसमें काफ़ी कम रहती है, इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा रहती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड्स बनेंगे ज़्यादा, बॉन्ड्स को एनर्जी लगेगी, बॉन्ड्स बनाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसकी एंथैल्पी ज़्यादा होती है। ये तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसलिए इसकी एनर्जी कम रहती है। अब आगे बात करेंगे कि जैसे मैंने बताया इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो रहती है, और ये लो टेम्परेचर को फेवर करता है, ये हाई टेम्परेचर को फेवर करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनाता है,
ये यूनि मॉलिकुलर्स लेयर बनाता है। ऐसे इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब ये वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घिरा हुआ है, तो और ये जो है इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, इसमें वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो इसमें क्या है यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो ये मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके ऊपर एक और ये लेयर है, इसके ऊपर एक और एक लेयर है, और एक लेयर है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इससे जुड़े हुए हैं, ये इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है यार, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे, ऐसे। मगर अगर हम मान लें कि ये इसमें कैमीज ऑप्शन हो रहा है, ये मान लीजिए है इसके सरफेस में, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो इसके ऊपर एक ये है, फिर ये है, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा हो। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि ये इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा हो, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है या फिर आयनिक। मगर जो हमारा ये फिजिक्स ऑप्शन है, वो हमारा कोई बॉन्ड नहीं बना रहा है, वो हमारा सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस में है, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए मल्टी मॉलिकुलर लेयर्स बनाता है, ये यूनि मॉलिकुलर लेयर्स बनाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि एडसॉर्प्शन आइसोसम्स क्या होते हैं, और उसके आगे कैटलिस्ट के बारे में भी जानेंगे, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट और होमोजेनस कैटलिस्ट क्या होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में ही, कि अगर कोई कानपुर में रहता है, कानपुर यूपी, तो वो ज़रूर एक कोचिंग बता रहा हूँ मैं केमिस्ट्री की, काफ़ी अच्छी है। मतलब कि उसमें आपके अगर आपको दिक्कत है, तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, इसलिए मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला, और बहुत कम बच्चे उसे वो जानते हैं उस कोचिंग, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में नहीं रहती। नाम है स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स। इन्हें इस कोचिंग को चलाते हैं प्रवीण सर, मिस्टर प्रवीण पाल नाम है उनका पूरा, ये इसका एड्रेस है इनकी कोचिंग का, रतन लाल नगर कानपुर, और ये यूपी में है, रतन लाल नगर में। आप पूछ सकते हैं कि प्रवीण सर की कोचिंग कहाँ है, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगी। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अगर कोई कानपुर में है तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा।